नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा और आपके साथ जो आशिया है जब सूर्य खंड नंबर 4 में होता है तो उन पर वीडियो, उन पर चर्चा। जैसे कि आप ऊपर कुंडली देख रहे हैं, इसमें खंड नंबर 4 में सूर्य है और हम जो आशियों की बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेटर्स कार्स जो टाइटल्स दिए हैं पंडित जी ने खंड नंबर 4 में जब सूर्य की विवेचना की है, तो उन टाइटल्स की बात, उनकी डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है वो। दोस्तों, आगे पंडित जी ने कहा कि दाई आंख का डेला, तो दाई साइड राइट साइड हमेशा सूर्य की मानते हैं और आंख यहाँ पर जैसा कि बताया है कि चंद्र की चीज है, आंखों की गोलाई, और डेला मीन्स कि प्रॉपर चंद्र। जैसे कि डेला कम होता या बड़ा होता है लाइट के हिसाब से, नजर के हिसाब से उसको एडजस्ट करता है, क्योंकि नजर का मालिक शनि भी है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही जो डेले में क्या होता है कि मसल्स लगे होते हैं, लाइट कम या ज्यादा हो तो उसको एडजस्ट करता है, जैसे कि चंद्रमा की सूर्य की रोशनी के हिसाब से अपने आप को कम या बड़ा करता है। तो दाई आंख का ढेला, भुआ का लड़का भाई। अब सूर्य अगर चौथे घर में है, चौथा घर माँ को मानते हैं और दसवां घर पिता को मानते हैं लाल किताब में, नौवां घर बुजुर्गों को मानते हैं, पर वैदिक में नाइन्थ हाउस को पिता का घर मानते हैं, पिता की टीचिंग्स भी मानते हैं। तो दसवां घर पिता का हुआ तो दसवें घर से जो तीसरा घर है मीन्स की अपनी कुंडली का बारहवां का घर पिता के भाई बहन हुए। अब बारहवें से पांचवा मीन्स की भाई बहन के पुत्र, वो आ गया हमारी कुंडली का चौथा घर। यानी कि ये अब सूर्य जो बैठा है वो स्त्री घर प्लैनेट ग्रह उसके घर बैठा है, तो इसलिए भुआ को लिया गया। वैसे भुआ मासी जो है वो सेकंड हाउस के रिश्तेदार गिने गए हैं। तो भुआ का लड़का इसलिए क्योंकि जब भी सूर्य की बात होगी तो पंडित जी ने कहा है सूर्य का प्रकाश या सूर्य का असर उस दिन से अच्छा हो जाएगा जिस दिन से पेट में लड़का पैदा हो जाएगा, उसका आभास हो जाएगा, पेट में लड़का आने के वक्त से सूर्य कायम हो जाएगा। तो भुआ का लड़का भाई की अपनी माँ का बेटा, भाई जो भाई होता है, या भुआ के लड़के को भाई मान ले, तो अब यहाँ पर क्योंकि भुआ का लड़का भी भाई ही होता है, आगे बात ये उत्पन्न होती है जो नेक्स्ट बात है कि एस इन आशियों को हम डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आगे भी कहा है, जब हम किसी टारगेट को देखते निशाना लगाना होता है जैसे कि बंदूक का, तो हम अपनी लेफ्ट आई को बंद करके राइट आई से उस टारगेट को देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जातक को हमेशा ही अलर्ट रहना है, मेहनती रहना है। ऐसे जातक को हमेशा ही अपने सामने टारगेट रखना है, मेहनती होना है, मशक्कत करनी है। आगे कहते हैं बुआ का लड़का और भाई, अपने बुआ का लड़का उसको भाई समान समझना है, उसकी हेल्प लेनी है, हेल्प करनी है, उसके साथ रिलेशन जो है वो अच्छे रखने हैं। अगर बुआ का लड़का ना हो तो अपने भाई के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे रखने हैं, क्योंकि पंडित जी ने कहा मंगल जो है अपनी आंख दे देगा। तो यानी कि ऐसे जातक को अपने भाई का साथ रखना है और अच्छे तरीके के साथ भाई के साथ रहना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, जो लाल किताब की आशियां हैं, दाई आंख का डेला, बुआ का लड़का भाई, तो इनसे हमें यही जाहिर होता है कि डे टू डे लाइफ में कि कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमें बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत तरह की हेल्प मदद मिलती है हमें। जॉइंट फैमिली में पुराने जमाने में इसीलिए रहना पसंद था, तो पर आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, छोटी छोटी फैमिलीज होती जा रही हैं और प्रॉब्लम्स जो है वो बड़ी बड़ी होती जा रही हैं। पुराने ज़माने में बड़ी फैमिलीज होती थी और प्रॉब्लम जो डिवाइड होकर छोटी हो जाती थी। पर यहाँ पर जो आशियों की बात करें तो ऐसे जातक को हमेशा ही अपना टारगेट बनाकर रखना है,
हमेशा ही मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करेगा तो ही कुछ करेगा, और अपने भुआ के लड़के या भाई के साथ रिलेशन जो संबंध है वो अच्छे रखने हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो आशियों पर, जो लाल किताब 1941 पर बेस्ड है, सूर्य खान नंबर 4 की। लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।